हेलो एवरीवन सो आई होप आप लोगों के प्री का एग्जाम अच्छा गया होगा अच्छा गया है तो आप लोग एक वीक का रिलैक्स लीजिए आराम से तसल्ली से एंजॉय करिए लेकिन उसके बाद मेंस की तैयारी वापस से शुरू कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास दो से ढाई महीने का टाइम है तब तक आपका मेंस निपट जाएगा इतना आप सोच के चलो और इनकेस जिन लोगों का अच्छा नहीं भी गया है ना तो बिल्कुल हिम्मत मत हारो हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए और मेन्स अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो अल्टीमेटली मेरिट यहीं पर बनना है और अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा फिर भी आपको मेन्स देने चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन करते हो और वो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और अब सीजीएल के एग्जाम तो काफी स्पीड में भी होते हैं तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लेकिन इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना ठीक है अब कुछ लोग बोलेंगे मैम आपने की गलती स्पेलिंग लिखी है तो वो गलतियां हो जाती जल्दी जल्दी में ठीक है और जब हम लिख लेते तो हम इसको वापस ठीक भी नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरी मेंस की स्ट्रेटजी नहीं बता सकती हूं क्योंकि वैसे में क्या होता है ना कि ओवरऑल बातें हो जाती है

होता है ठीक है जबकि एक्चुअल सिनेरियो ये होता है कि अगर प्री आपका यहाँ है तो मेंस इससे थोड़ा सा ही यूनिक होता है ये जो पार्ट है वो यूनिकनेस के बारे में बताऊंगी कि आखिर मेंस में क्या चेंजेस होते हैं बाकी चीजें जो आपने प्री में पढ़ी है वो सेम ही होता है ठीक है अगर आपको वीडियो के दौरान कहीं पर भी ये लगे कि ये चीज़ तो मुझे पता है तो आप टाइम स्टैम्प पर जाके सीधे जंप करके अगले टॉपिक को देख सकते हो और फॉर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ वन या फिर वन पे करके देखो लेकिन कॉपी पेन ले करके बैठना हालांकि इस कॉपी की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी लेकिन इस चीज को जरूर से जरूर नोट कर लेना और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल डेली रूटीन बनाना और उसी हिसाब से तैयारी करना ठीक है तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं सबसे पहली बात तो एस एस सी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है मेन्स का अगर आपको ये पता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो लेकिन बिगनेस लोगों के लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी प्रीवियस ईयर के क्या कट ऑफ रहे हैं और हमें अपना टारगेट कितने मार्क्स का लेकर के रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छी पोस्ट के लिए एस्पायर कर सके हमें पता हो कि भाई अगर हमें छियालीस पोस्ट चाहिए इस लोकेशन पे चाहिए तो हमारे कितने नंबर लगभग रहने चाहिए तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी स्पेशली फॉर मैथ्स इसके बाद प्री और मेन्स में क्या डिफरेंस होता है हमें क्या अलग करना पड़ता है क्या वो चीजें हैं जो मेन्स में आपको लीड दिलाएंगी उन चीजों के बारे में बात करेंगे बेस्ट बुक्स क्या होंगे और मॉक क्या होंगे और क्या सोर्सेस होंगे हमें अभी मेंस के लिए क्या सोर्सेज चेंज करने की ज़रूरत है या जो हम प्री में कर रहे थे उसी को करते रहें और टीचर्स कौन से होंगे किस तरह की वीडियोस देखनी है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी मॉक के लिए मैं आप लोगों को अभी ही बता दे रही हूँ कि टेस्टबुक बुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स मेन्स का पेड आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें आपको ऑफर्स भी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम प्लस इसमें आपको बहुत सारे न्यू और प्रीवियस ईयर मॉक सारे मॉक फॉर्मेट में मिल जाएंगे काफी ज्यादा एग्जाम इंटरफेस इसका होता है तो आप डेफिनेटली टेक्स्ट बुक के लिए जा सकते हो मॉक टेस्ट के लिए इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अभी इस दो महीने के लिए ताकि आपका स्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो इसके बाद हम मॉक की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है ताकि आपके नब्बे में से नब्बे नंबर आए क्योंकि मैथ्स का जो लेवल है ना बहुत सारे लोग इसमें नब्बे आउट ऑफ नब्बे लेकर के आ सकते हैं तो ये कोई हैरान होने की बात नहीं है इसको मैं बहुत सारे आपको लैपटॉप स्क्रीन के स्क्रीन वगैरह से शो करूंगी कि आप कैसे कर सकते हो मॉक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके बाद मॉक की बेस्ट वे में एनालिसिस क्या होगी देखिए अनालिसिस वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो गया बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्प्रूवमेंट वर्ड से इसको डिनोट करूंगी क्योंकि देखो एनालिसिस करके बैठ गए और उसका यूज ही नहीं कर पाए और इंप्रूव ही नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है इसको भी मैं लैपटॉप के स्क्रीनशॉट से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इसके साथ ही डू एंड डोंट्स ये सब क्या वो हो, आपके होंगे वो सारी चीज़ें तो, हाँ तो मैं बताऊंगी तो हावज द जोस मैन ज़रूर कमेंट करिए क्या कमेंट करना आपको पता है कि आपका जोस कैसा है मेंस के लिए सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एग्जाम पैटर्न पर तो जिनको जो लोग मेंस देते हैं उनको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होता है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेशली मैं मैथ्स के लिए क्लियर कर दे रही हूँ हर एक क्वेश्चन तीन का होता है और एक नंबर जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है यानी कि टोटल आपके नंबर हो गए नब्बे नंबर और इसी सेशन में एक और एग्जाम होता है वो है रीजनिंग का वो भी उसके भी तीस नंबर आते हैं हर एक क्वेश्चन तीन नंबर का होता है और एक क्वेश्चन गलत करने पर एक मार्क्स आपके कट जाते हैं और टोटल रीजनिंग भी नब्बे नंबर का होता है और ये दोनों मिला करके के आपको एक घंटे का टाइम मिलता है यानी कि आप आगे पीछे करके इसको सॉल्व कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब देखिए एक घंटे में हम लोगों को मैथ्स और रीजनिंग में टाइम सेपरेट करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप 35 मिनट टोटल मिला करके मैथ्स में 35 मिनट देना है और रीजनिंग में 20 मिनट देना है अब बोलेगा कि पांच मिनट और कहाँ चला गया तो पांच मिनट आपको क्वेश्चंस इधर उधर करते हुए क्वेश्चन जंप करते हुए और इन सब चीजों में आपका पांच मिनट रिलैक्स होते हुए ही लग जाता है तो उस पांच मिनट को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ ठीक है अभी मैं टारगेट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं टारगेट के बारे में आती हूँ तो आई होप आप लोगों को मैथ्स का समझ में आ गया हो कि आपको कितना टाइम देना है उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि नेक्स्ट सेशन जो होता है उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होता है इंग्लिश वन मार्क्स का और ये सेवेंटी मार्क्स का होता है टोटल इसके लिए भी आपको एक घंटे मिलते हैं इसके लिए मैंने 40 मिनट और इसके लिए मैंने 15 मिनट सजेस्ट किया है इसको मैं आगे आने वाली जो वीडियोस होगी इंग्लिश और जीएस की उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद आपका कंप्यूटर और डेटा एंट्री टेस्ट यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होता है इसको भी मैं अपनी आगे जो कंप्यूटर की वीडियोज़ आएगी उसमें मैं क्लियर करूंगी तो टोटल मिला करके जो आपका मेन्स का एग्जाम होता है वो होता है तीन नंबर का और इसी पर आपका पूरा मेरिट बनता है सी का ठीक है इसी के बेसिस पर आपको जो पोस्ट मिलेगी सब डिसाइड होता है तो टोटल जो मेरे पास टाइम है वो होता है दो घंटे तीस मिनट का अगर मैं टाइपिंग को इंक्लूड करके बोलूँ तो, तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा अब मैं अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं तो 390 में से जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है तो इसके लिए जो मैंने ओवरऑल एक कट ऑफ देखा है 2023 सीजीएल में वो 300 से 340 अगर नंबर है प्लस माइनस आप फाइव कर सकते हो तो आपको 4600 ग्रेड पे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं और अगर 280 से 310 नंबर है इसमें आप टेन का मार्जिन लेकर चलो तो फोर्टी ग्रेड पे की मिल जाएगी आपको पोस्ट ये मैं यू के लिए बात कर रही हूँ ठीक है ओ वगैरह का आप जाकर करके सीधा एस एस सी फाइनल रिजल्ट लिखोगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट वहां से आप जाके एग्जैक्ट देख सकते हो ठीक है ट्वेंटी एट हंड्रेड ग्रेड पे के लिए वैसे ही दो सौ अस्सी से तीन सौ नंबर और चौबीस सौ के लिए दो सौ साठ से तीन सौ नंबर ये जो है ना अपर लिमिट इसका लगभग लगभग ये कहीं पर ऊपर है कहीं नीचे है कैटेगरी वाइज डिफरेंस हुआ है तो आपको एक समझ में आ रहा है कि अगर हम अपना टारगेट सेट करें तो हमें अपना कितना टारगेट सेट करना चाहिए ये आप देख रहे हो ये मेरे ऑफिस में चाय गिर गया था आई एम रियली रियली सॉरी लेकिन मैं इसको वापस से अब इतनी मेहनत नहीं कर सकती तो मैंने इसी

ठीक है तो जैसे मैथ्स में है ना ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर बेस्ड आते हैं तो इसको आप अचीव कर सकते हो तो इसमें मैं बोलूँगी आपको पचासी से नब्बे नंबर का टारगेट लेकर के चलना चाहिए आप अभी मॉक में लगाओ हो सकता है कि प्री दे करके आए हो तो आपका अभी से ही सत्तर पचहत्तर ऐसे करके एटलीस्ट बन रहा होगा तो आप उसको जैसे जैसे मैं मॉक बताऊंगी एनालिसिस बताऊंगी इंप्रूवमेंट बताऊंगी वैसे वैसे करोगे तो इन दो महीनों में ये मार्क्स पाना कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं लगेगी ये आप अचीव कर लोगे अगर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करोगे तो उसके बाद इंग्लिश में आप दो सौ से एक नंबर का टारगेट लेके चल सकते हो रीजनिंग में एट्टी फाइव टू और एस में पचपन से साठ ठीक है तो ये मैं एक ऐसे आपको टारगेट दे रही हूँ जो कि अचीवेबल है तो बाकी चीजों के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं इस के बारे में बात करूं कि ये टारगेट आपका कैसे अचीव होगा अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दू मैंने बहुत अच्छे से पर चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है कि मेंस और प्री में डिफरेंस क्या होता है देखिए यही जानना ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचो कि मैं प्री जैसी मेहनत करता रहूं और मेरा मेंस क्लियर हो जाए तो आपका नो no डाउट क्लियर हो जाएगा लेकिन आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाओगे या बेस्ट रैंक नहीं लेकर के आओगे कि जो बेस्ट रैंक लेकर के आते हैं जिनको एम मिलता है इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया होता है ना तो वही डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक

तो अगर आपने चैप्टर को ढंग से बनाया है वीडियोस अच्छे से देखे हैं बुक सॉल्व किया है तो आप इजीली इजिली क्वेश्चंस को कर पाओगे ठीक है मॉडरेट क्वेश्चंस कौन से हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं मतलब आपको पता है है लेकिन थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन या तो टफ हो या थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ हो या ऑप्शन बहुत ही नियर नियर करके दे दिए गए आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह का जो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन होता है हालांकि वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पता है ठीक है उसको बोलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं ना उसका परसेंटेज प्रिलिम्स में लगभग पंद्रह प्रतिशत होता है आप जाकर के के क्वेश्चंस उठाइए और जाकर चेक कर लीजिए आपको एक से दो अगर किस्मत खराब हुई क्वेश्चन तो आते हैं नहीं तो एक से दो क्वेश्चन हुए तो आपको टफ मिलेंगे टफ क्वेश्चन अब कौन होते हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं आपको देख के लेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में कभी आया ही नहीं है या मेरा दिमाग देख करके बिल्कुल ही कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम से इसको आगे बढ़े उनको बोलते हैं हम टफ क्वेश्चन जिनको फर्स्ट गो में छोड़ना होता है ठीक है ये सब भी आप, आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी देखिए अब ये तो परसेंटेज था प्रीलिम्स में अब मेंस में इसका क्या सिनेरियो होता है देखिए बहुत लोगों को लगता है ना कि मेंस में ज्यादातर टफ क्वेश्चन आते हैं अब यही होती सबसे बड़ी गलती उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि बस उठा लेंगे बड़े बड़े कैट के और इधर उधर के किताबें और उसको जाकर के सॉल्व करने लग जाएंगे हालांकि अब ऐसे बेवकूफ लोग कम हैं अगर लोग मोस्टली रिलेवेंट तैयारी ही करते हैं क्योंकि बहुत सालों से सेम रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो रहा है तो लोगों का डर थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है तो देखिए ईजी क्वेश्चन अभी भी मेन्स में सेवेंटी ठीक है पहले 80 था अभी भी लेकिन 70% परसेंट वही वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो रिपीटेड है जो प्रीवियस क्वेश्चन वाले हैं तो यानी कि आपने जो तैयारी करी हुई है प्रीलिम्स में वो आपका सेवेंटी रोल उसका ही है सेवेंटी नहीं मैं बोलूंगी नाइन्टी रोल उनका ही है ठीक है उसके बाद जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया वो मेन्स में लगभग बीस प्रतिशत होंगे और जो टफ़ क्वेश्चन हैं मतलब चार पाँच क्वेश्चन आप बोल सकते हो जो आपको देख के लगेगा कि भैया मुझसे तो नहीं बनेगा या मैंने कभी देखा ही नहीं या फिर इतना टफ़ कैलकुलेशन है या देखते के साथ मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूँ ठीक है किसी टीचर ने नहीं, नहीं कराया वैसे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं एकदम से सरप्राइज तो वो होते हैं दस परसेंट क्वेश्चन तो अब आपको अपना माइंड सेट ले के चलना है कि आपको ज़्यादा फोकस किस में करना है इजी क्वेश्चन में करना है अब देखिए एक्सप्लेन क्यों कर रही हूं क्योंकि सी पी इतना है तो एसपी कितना होगा अब उनको सी तो आई का प्रिंसि परसेंटेज दे, दे दिया है और ईयर दे दिया है तो अब बताइए कि मेरा कितना टोटल सी बनेगा या कितना मेरा इंटरेस्ट बनेगा अब उनको ऐसे क्वेश्चन जो है ना लगता है कि यार तो बहुत इजी है हम इसको क्यों करें लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को जब आप बार 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 करोगे तो आपका ये इजी वाला 70 परसेंट कम्प्लीट होगा जिसको आप जल्दी कर पाओगे ठीक है नहीं तो आप क्वेश्चन तो इजी होगा आपको आएगा भी लेकिन आप जल्दी नहीं सॉल्व कर पाओगे उसमें भी आप बैठ करके थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कैलकुलेट करोगे तो उससे क्या होगा कि आप मॉडरेट और टफ क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा पाओगे हालांकि अगर आप इसको हंड्रेड भी कंप्लीट कर लो ना तो भी आप मॉडरेट और टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो यही जो टॉपर्स होते हैं वो बाजी मार लेते वो क्या करते हैं ना कि इजी क्वेश्चन को इतनी रगड़ के प्रैक्टिस करते हैं कि इजी क्वेश्चन में उनको पेन ही नहीं उठाने की जरूरत पड़ती है या फिर एक से दो तीन लाइन में वो कंप्लीट कर देते हैं यानी कि इजी क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका 20 सेकंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लगे उसमें आपका कंप्लीट हो जाए तो आपके पास 70 परसेंट क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा तो आप इन दोनों में दिमाग लगाने के लिए आपके पास टाइम बचेगा तब जाकर के आप दूसरों से आगे निकलोगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्यों बता रही हूं मैं और आपको इजी क्वेश्चन को कितना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए ठीक है अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं वो है मेरा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट है कि हम लोग प्री में क्या करते थे किस तरह से अप्रोच लेकर के चलते थे और अब हमें मेंस में क्या करना है ठीक है देखिए जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास प्री से पहले क्या होता है हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है हमें बुक पूरा का पूरा लगाना होता है उसके बाद हमें उसको रिवाइज भी करना होता है मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट एनालिसिस ये सारे ही काम हमको प्री के टाइम पे करने होते हैं लेकिन मेन्स में हमारा क्या फ़ायदा होता है सिलेबस हमारा हो गया है

इधर ही से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है आई होप आपको ना समझ में आ रहा हो कि हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है अब कैसे ध्यान देंगे हम मैं उसको आगे बताती हूँ लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की ताकि हम गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं ये ना हो कि अभी भी हम सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगे हुए हैं या अभी भी हम वैसे ही क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें कि बेसिक वो करवा रहे हैं तो आपको ये चीजें अपने बारे में पता होनी चाहिए हालांकि मेंस के आस्पिरंट्स ऑलरेडी बहुत ही तेज तर्रार होते हैं तो उनको ये सब पता होता है हाँ, फिर भी मैं जो बिगनर्स है बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ अब हम आते हैं अप्रोच पे कि भाई हमें करना क्या है ठीक है देखिए सबसे पहली चीज जो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फेल हो गई थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो है अप्रोच क्वेश्चन का अप्रोच मुझे नहीं पता कि आपने प्री में क्या किया प्री में जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम मेंस में क्या करेंगे देखिए मैथ्स में ना अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको जो सोल्यूशन है वो आपका होना चाहिए मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग वाला दूसरी मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने वाला ठीक है मतलब ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आप मान लीजिए सी आई एस आई का जो क्वेश्चन ना लोग 20 सेकंड में करते थे 30 सेकंड में करते थे मैं उन क्वेश्चंस को एक दो मिनट में करती थी और मुझे पता भी नहीं होता था कि इतने कम टाइम टेकिंग का वो क्वेश्चन है अब मुझे कैसे पता लगेगा मैं ज़्यादा घर पे रह करके पढ़ाई करी है किसी टीचर से नहीं पढ़ाई करी है फ्री में जो मुझे लगा अच्छा अच्छी वीडियोज़ हैं मैंने उनसे पढ़ाई करी तो मुझे पता ही नहीं लगा था सेकेंड अटेम्प्ट मुझे पता लगा कहां कहा से कैसे पता लगा आपको कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से बनाना है और ऐसा अप्रोच जो बहुत सारे क्वेश्चन में लगे अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है तो वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो और किसी क्वेश्चन में काम ही नहीं आएगा तो क्या फायदा है हम एक ऐसा अप्रोच है ऐसा कंसेप्ट अडॉप्ट करना है जो मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर ले ठीक है आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेस्ट अप्रोच कहां से मिलेगा देखिए पहली बात तो आप लोगों ने जो अगर किसी टीचर से प्री की पढ़ाई करी है सिलेबस कंप्लीट किया है और आपको लगा कि वो बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं तो नो no डाउट अब उन्हीं उन्हीं टीचर्स की आपको सोल्यूशन वाली वीडियोज देखनी है अब आपको वीडियोज क्वेश्चन सॉल्विंग वाली ही देखनी है मेंस के लिए नो वीडियो फॉर बेसिक चैप्टर्स इसका मतलब क्या निकला कि अब ना वो वीडियो जिसमें कि वो बेसिक से चैप्टर है मतलब आपको बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हैं इनके लिए क्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये इस तरह की वीडियोज मेन्स के लिए नहीं देखी जाती मेन्स के लिए देखी जाती है बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एस आई बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सी आई क्वेश्चन ऑफ़ एस आई एंड सी आई फॉर मेन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर मेन्स बेस्ट 150 क्वेश्चंस ऑफ सी आई एन एस आई फॉर मेन्स आप समझ रहे हो जिसमें कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया गया होगा उसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है बेसिक टाइप के क्वेश्चन लेकिन वो जब क्वेश्चन आप करवाएंगे ना तो उसको आपको कैसे देखना है क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो वीडियो स्टॉप करो खुद से सॉल्व करो जितनी जल्दी कर सकते हो उसके बाद आप वापस से वीडियो शुरू करो उसके बाद देखो कि टीचर क्या बना रहा है और आपने कैसे बनाया था तो ऐसे कंपेयर जब करोगे ना तो आपको मिलेगा बेस्ट अप्रोच उस क्वेश्चन का टीचर हो सकता है बहुत अलग सोच रहा हो तो आपको सोचना है कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा टीचर हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करा रहा हो जो आपने ना किया हो तो वहां कंपेयर करो कि मैंने क्यों नहीं किया और जब आपको बहुत अच्छा लगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाएगा उसको कर लो नोट और उसको फिर आगे से अप्लाई करना शुरू करो तो जब क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोज अब देखोगे तो अब बहुत कुछ सीखोगे क्योंकि सिलेबस तो इनकम्प्लीट हो गया सीखना समझना समझना नहीं है अब आपको ट्रिक सीखना है समझदारी लेकर के आना है अपने अंदर स्पीड लेकर के आना है अपने अंदर तो वो आपकी इन वीडियोज से हो जाएगी ठीक है आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी हो अब आपको लगेगा कि किसकी वीडियोज़ देखे तो देखिए मैंने अपनी तैयारी के दौरान किन टीचर्स की क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोज़ देखी मैं बता दे रही हूँ गगन प्रताप सर की आदित्य रंजन सर हमारे टाइम पे नहीं थे लेकिन बहुत से लोग आदित्य रंजन सर से पढ़ते हैं तो आप इनकी वीडियोज़ भी देख सकते हो राकेश यादव सर क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस करवाते हैं उनका देख सकते हो अभिनय शर्मा सर का स्पेशली अलजेब्रा एंड ट्रिगो में ये बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन करवाते हैं आप इनका देख सकते हो इवन कोचिंग कोचिंग सेंटर में भी मैं वगैरह बहुत अच्छे से कराते हैं इनकी भी कुछ कुछ तरीके बहुत अच्छे होते हैं ये बहुत ही बेस से आपको समझा कर चीजें बताती हूँ तो ये भी अच्छा होता है पवन राव सर स्पेशली फॉर जोमेट्री एंड मेल्स इनकी वीडियोज आप देख सकते हो क्वेश्चन सोल्विंग की ठीक है ये बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल होती है उन वीडियोज को देखना है इसके लिए मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रही फ्री में ये सारे तरह के वीडियोज अवेलेबल होते हैं तो इस तरह से आपको मिलेगा बेस्ट अप्रोच दूसरा आप क्या कर सकते हो देखिए जब आप बुक सॉल्व करते हो ना तो हो सकता है कि प्री के टाइम पे आपने सॉल्यूशन ना देखा हो लेकिन बुक सॉल्व करोगे जब अब मेंस के टाइम ना तो आप उसको सॉल्यूशन जरूर देखो और कौन से बुक आपको यूज करने हैं तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो बुक आप प्री के लिए यूज कर रहे थे वो तो आपको करने ही करने हैं अगर आप किरण की ये वाली बुक यूज कर रहे थे तो आप इसी को कंटिन्यू करो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं मैक्सिमम सारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर है तो आप इस बुक को जरूर से जरूर कर सकते हो इसमें आपने हाईलाइटेड किया होगा टिक टिकमार किया होगा उन सबको करना भी मैं आगे बताऊंगी भी कि कैसे आपको बुक रिवाइज करना होता है तो कोई भी ऐसा बुक जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ मेंस के लिए गए हो वो आप ले लेना क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री मेंस के मिला करके ना अब थोड़ा सा वो हॉचपॉच हो जाता है फिर आप सिर्फ मेंस वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते अच्छे से तो ये दो बुक्स आपके लिए अनाफ होगी आप इसको ले सकते हो तो जब आप बुक सॉल्व करने जाओ तो सॉल्यूशन जरूर देखो और सॉल्यूशन में अगर आपको लगे कि भाई ट्रेडिशनल है या फिर जैसे मैंने बनाया है वैसे है तो ठीक है लेकिन अगर सॉल्यूशन में कुछ अच्छा फॉर्मूला मिल जाता है तो आप बुक में ही हाईलाइट कर लो अब ये नहीं बोलूंगी कि, कि आप अब मतलब नोट्स बनाओ क्योंकि बुक में ही हाईलाइट कर लो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे बुक है इसमें मैंने ये फॉर्मूला मान लीजिए हाईलाइट कर लिया इस पन्ने को मोड़ दो तो अब क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था आप सीधे जब रिवाइज करना होगा तो यहाँ पे आगे तो आप देख लोगे कि हाँ भाई यहाँ पर आपका फॉर्मूला

ना सेव क्वेश्चन का एक ऑप्शन होता है ऊपर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही कि नोट्स बना लेना क्योंकि अब आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो उस क्वेश्चन को सेव सेव कर लेना और सेव्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जाकर क्लिक करोगे तो सारे सेव्ड क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे तो वहाँ से टाइम टू टाइम करके रिवाइज कर लेना तो इस तरह से करके आपके सारे अच्छे क्वेश्चंस सेपरेट हो जाएंगे और आपको बेस्ट अप्रोच मिलेगा नेक्स्ट सॉल्यूशंस इन ग्रुप देखिए हो सकता है कभी कभी कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको ऐसा महसूस हो कि एक दो मिनट मुझे क्वेश्चन में लग जा रहा तो उसको ज़रूर से ज़रूर मेरी ये वाली वीडियो देखना इसमें मैंने बताया कि कौन से ग्रुप्स आपके लिए अच्छे हैं उसने पोस्ट करना वहाँ से ज़रूर आपको कोई बेटर सोल्यूशन मिलेगा तो उन सब का आप क्या करना एक फोल्डर बना लेना अपने मोबाइल में ही एल्बम बना लेना बेस्ट क्वेश्चन के नाम से और उसमें डालते जाना और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ कर लेना उस सोल्यूशन के तरीके को तो या फिर अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बनाना है हालांकि नोट्स का टाइम अब नहीं है तो मैं नोट्स बनाना आपको सजेस्ट नहीं करूंगी तो आप एल्बम से ही रिवाइज़ कर सकते हो इसके बाद देखिए और बेस्ट अप्रोच कैसे मिलेगा तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चन के साथ आपका एक्सपीरियंस बनेगा तो वैसे ना आपके ही दिमाग में बहुत सारे शॉर्ट सोल्यूशन आने लगेंगे आपके ही दिमाग में जैसे पांच स्टेप का सोल्यूशन है तो हो सकता है कि दो तीन स्टेप तो आप माइंड में ही कर जाओ थर्ड स्टेप में सीधे पहुंच जाओ तो ऐसा भी आपके साथ होगा धीरे धीरे करके तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच पता लगेगा जिसको आपको अडॉप्ट करना और एग्जाम में जा के बनाना है बेस्ट अप्रोच मतलब शॉर्टेस्ट अप्रोच सबसे ज़्यादा कम टाइम लेने वाला तो ये तो सबसे पहला तरीका है जिसको आपको मेंस में अडॉप्ट करना है ठीक है नेक्स्ट अब हम चलते हैं बुक रिवीजन में देखिए जब प्री का आप एग्जाम दे रहे थे तब तो आपने पूरा का पूरा बुक ए टू जेड सॉल्व किया हुआ था अच्छे से समझ करके अब आपने सॉल्व कर लिया है इनफैक्ट अगर आपने प्री दिया है तो कम से कम तीन चार बार तो सॉल्व कर ही लिया होगा तो अब क्या हम पूरा पूरा बुक वापस से लगाएंगे क्या हमारे पास इतना टाइम है या हम किस तरह से आगे बढ़ें बुक को कैसे हम रिवाइज करें दो महीने में मेरा ताकि सारा रिवाइज हो जाए वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूं ठीक है सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि टफेस्ट चैप्टर से आप शुरू करो क्योंकि ईजी वाला जो चैप्टर है ना वो लास्ट में जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा लेकिन टफ चैप्टर जो है उसमें अभी आपको टाइम मिलेगा और हो सकता है कि टफ जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हो तो आप वहां से शुरू करो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप दो अब चैप्टर्स एक साथ लेकर के चलो जब मैं प्री का बताती हूँ ना तो मैं बताती हूँ कि सीक्वेंस वाइज चलो एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करो वीडियोज़ देखो तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो प्री में तो आप एक काम कर सकते हो कि एक अरिथमेटिक का चैप्टर ले लो और एक एडवांस का चैप्टर ले लो तो दोनों को साथ में ले कर के चलो हम टाइमलाइन अपने लिए फिक्स कर लेते तो हैं कि हमें कैसे कैसे क्या करना है एक तो हो गया अरिथमेटिक इसको करना है एडवांस का एक चैप्टर वो लेकर के चलना है मेंस का पीवाईक्यू का जो मैंने बताया कि आप कोई भी पीवाईक्यू का जो बुक है वो लोगे तो उसको आपको सॉल्व करना है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो 2021-22-23 के मेंस के पेपर सारे डाउनलोड कर लो उसको करना है तो इन चारों को लेकर के आपको साथ साथ चलना है तो आप एक दिन में क्या करना है कि पचास क्वेश्चन का टारगेट लो अरिथमेटिक का जो चैप्टर मान लीजिए कि आपने नंबर सिस्टम से शुरू किया तो आपको पहले दिन टारगेट लेना है कि मुझे पचास क्वेश्चन करने हैं उसी दिन आपको एडवांस मान लीजिए

कि आपको ये ये टारगेट लेना है एक दिन में करने का फिर दूसरे दिन वापस इतना इतना करना इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट होता रहेगा चारों सात सात तो मैथ्स में आपको इस तरह से करना है अब देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम बुक को सॉल्व करें कैसे ठीक है कि हम क्या वापस से एक एक करके बनाएँ एकदम अच्छे से फिर तो हमें बहुत टाइम लगेगा तो ऐसा नहीं है आप अब बुक को पहले जैसा बच्चों जैसे सॉल्व नहीं करोगे अब आपको बुक को बहुत ही स्मार्ट वे में सॉल्व करना है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से आप बुक सॉल्व करो देखिए सबसे पहली बात तो आप ना पहले टारगेट ले लीजिए कि एक से पचास तक क्वेश्चन मुझे करना है वहां से वहां तक मार्क कर लीजिए उसके बाद आपको इसको एज अ मॉक अटेम्प्ट करना है ना कि एक एक क्वेश्चन को तसली से अटैम्प्ट करना है ठीक है तो आप पचास क्वेश्चन के लिए तीस से चालीस मिनट का टाइमर सेट कर लीजिए उसके बाद आपको करना क्या है स्किपिंग प्रैक्टिस करनी है ऑप्शन एलिमिनेशन प्रैक्टिस करना है अप्रोक्सिमेशन प्रैक्टिस करना है स्पीड कैलकुलेशन ट्रिक्स टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कैसे तो फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मेरे पास ये बुक है आपने एक से लेकर के पचास तक क्वेश्चन करना है तीस मिनट का आपने अलार्म सेट कर लिया अब आपको बिल्कुल जैसे ही आपने शुरू किया आप बिल्कुल इसको क्वेश्चन को पढ़ो और जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो ना उसी तरह से करो या तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पा रहे हो तो वैसे करो अप्रोक्सिमेशन से कर पा रहे हो तो वैसे करो कैलकुलेशन

अब देखिए इसको आप कैसे करोगे तो मैं मॉक में बताऊंगी कि मॉक में एक्चुअली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको उसी हिसाब से करना है तो ये मान लीजिए आपने कर लिया इसके बाद आपको पंद्रह मिनट तक इसकी एनालिसिस करनी है मतलब ये आपने पचास क्वेश्चन किए हैं इसको पंद्रह मिनट तक एनालाइज करना है. तो एनालाइज क्या करना है देखिए सबसे पहली बात आपको सोल्यूशन चेक करने हैं कि क्या मेरे से, मेरे से बेटर सोल्यूशन तो नहीं दिया हुआ है और तसल्ली से उसके बाद टिक मार्क जो आपने किया होगा या हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा उसको देखो एक तो प्री के टाइम पे आपने टिक मार्क और हाईलाइटेड करके रखा होगा उसको देखो और जब आप मॉक की तरह बुक को सॉल्व करोगे ना तो भी जो जो नहीं बनता जा रहा है स्किप करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ तो वापस जब एनालिसिस में आओगे तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखो कि भाई क्यों नहीं बना बना क्या तकलीफ हो गई है ना तो ये सब जो लेट बना दिया जिसमें आपको लग रहा है कि यार था लेकिन मैंने लेट बना दिया तो उसको भी तसली से देखो दिमाग लगाना पड़ा जिसमें कि आपको लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा मेरे को अटक गया था थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था उसको जाकर के तसली से देखो और वापस से चेक करो सारे क्वेश्चन को कि भाई ओवरव्यू ले लिया क्वेश्चन का ताकि आपको याद रहे कि इस के क्वेश्चन मेरे किए हुए हैं ठीक है तो ओवरव्यू ले लो सारे ही पचास क्वेश्चन का तो ये आपका पंद्रह मिनट में कंप्लीट हो जाएगा तो आई होप इस तरह से आप करोगे ना तो ये होती है मेन्स में जिस तरह से बुक सॉल्व किया जाता है ठीक है ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर बुक सॉल्विंग फॉर मेन्स तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसी तरह से बुक को सॉल्व करना बहुत जल्दी भी होगा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा अब हम आते हैं कि अब हमें मेन्स में किस तरह के नोट्स बनाने की जरूरत है ठीक है यार रिवाइज किस तरह से करने की ज़रूरत है एक तो मैंने रिविजन बता दिया पूरे के पूरे बुक को कैसे रिवाइज करते हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना है अब अगर हम बात करें कि अब हमें नोट्स किस तरह के बनाने हैं तो देखिए पहली बात तो कि फ्रॉम बुक्स नोट्स बनते हैं फ्रॉम टेस्ट सीरीज नोट्स बनते हैं जिनको मैं मॉक कॉपी बोलती हूँ और फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोज़ यहाँ से भी आपके अभी कुछ नोट्स बनेंगे तो बुक्स से तो जो नोट्स थे ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है जो आपने प्री के दौरान तैयारी करी होगी जिसमें कंसेप्ट लिखा होगा फॉर्मूला क्वेश्चन ट्रिक्स एक्सेट्रा यही आपका मेन नोट्स है जो कि सेवेंटी आपका नोट्स uh, में हेल्प करेगा लेकिन अगर अभी भी आप जैसे बुक सॉल्व कर रहे हो जैसे मैंने बताया उसमें भी आपको कोई न्यू ऑब्जर्वेशन लगती है यानी कि आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है या इसमें ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छा है थोड़ा सा आ, मैं पहले ये तरीका नहीं जानता था लेकिन अब मुझे ये तरीका पता है तो इस तरह का अगर कुछ आपका बुक से न्यू ऑब्जर्वेशन निकलता है अभी अभी प्रैक्टिस करते के दौरान तो उसको भी आपको नोट्स में उस चैप्टर में जाकर के इंक्लूड कर लेना है क्वेश्चन आप बिल्कुल भी बुक से छाप करके नोट्स कॉपी में मत लिखिएगा इतना बेवकूफी मत करिएगा इतना टाइम नहीं है कोई फॉर्मूला भी मत लिखिएगा अगर आपको सॉल्यूशन से जैसे कि मैं बताया बुक में कोई फॉर्मूला मिलता भी है तो आप बुक में ही हाईलाइट कर लीजिए अननेसेसरीली अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यही आपका मेन नोट्स है ठीक है उसके बाद टेस्ट सीरीज से किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं देखिए जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट से उसको मैं बोलूंगी अभी भी आपको नोट्स में लिखना चाहिए पहले जो प्री के टाइम पे जो आपका मॉक uh, कॉपी था प्री मॉक कॉपी वो तो है ही वही आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है लेकिन अभी भी आप जब मॉक दोगे मेंस के लिए तो जो रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आप उसको लिखिए लिखने से याद रहेगा आपको राइट right क्वेश्चन को भी लिखिए अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लगे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन उस टाइम आपने राइट कर दिया लेकिन आपको लग रहा है कि इसको मेरे को याद रखने की जरूरत है तो उनको भी लिख लीजिए या टाइम टेकिंग था मतलब आपको लगा कि यार ये थोड़ा जल्दी बन सकता था लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग गया तो उन क्वेश्चन को आप लिख लीजिए मतलब जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार मुझे ना इसको बाद में रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप एक तो कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को कि आप सेव पे क्लिक करो और सीधे आपका सेव हो जाएगा तो आप सेव्ड क्वेश्चंस वाले ऑप्शन में टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन तो आप जरूर से ज़रूर लिख लो क्योंकि इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है ठीक है उसके बाद टेस्ट सीरीज से अगर आपको कोई न्यू फॉर्मूला मिलता है जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको उसका शॉर्टकट फार्मूला मिल गया और वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो वैसे फॉर्मूला को आप नोट्स बना लो कोई बेटर अप्रोच मिल गया जैसे कि मैंने बताया कि बेटर अप्रोच मॉक टेस्ट से बहुत मिलते हैं तो उसको आपको लिख लेना है तो ये जो है मॉक कॉपी वाला पूरा ये ट्वेंटी परसेंट आपका नोट्स में हेल्प करेगा उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस है ना जो मैंने बताया कि अभी आपको टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्विंग वाली वीडियोस देखनी है तो उसमें से भी आपको बहुत बार ऐसा होगा टीचर कुछ ऐसी बात बता देगा ऐसा फॉर्मूला बता देगा ऐसी तरह का चीज़ बता देगा हो सकता है कैलकुलेशन में ही बता दे कि आपको नोट करने की जरूरत पड़े जो आपको बहुत अच्छी लग जाएगी ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होगा भाई तो उसको भी आपको उस चैप्टर के नोट्स में जा करके लिख लेना है या कोई अप्रोच बता दे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दो ये आपका टेन परसेंट का नोट बनेगा तो आप देख रहे हो कि मेन नोट्स आपका ये वाला है ट्वेंटी परसेंट नोट्स ये वाला है और टेन परसेंट ये वाला है हाँ लेकिन सारे ही नोट्स इंपॉर्टेंट हैं इनको आपको रिवाइज करना है डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर एज पर योर रिक्वायरमेंट ठीक है आप कोशिश करो कि डेली ही कोई नोट्स कॉपी उठाओ एक एक चैप्टर करते जाओ जब आपको लगे कि आपका चैप्टर कोई वीक हो रहा है वो भूल रहे हो अभी रिवीजन ना आपको डेली ही डेली करना है एक तो बुक आपका सॉल्व करके रिवाइज हो ही रहा है ठीक है ये नोट्स भी आप रिवाइज करोगे करते रहोगे तो अब आपका कुछ भी छूटेगा नहीं अब रिवीजन कैसे करना है ना ये कंप्लीटली ना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली डेली क्या रिवाइज कर सकते हो वीकली क्या रिवाइज कर सकते हो तो ये अब खुद से बनाइए ये मेरे बोलने से नहीं होगा ये आपको खुद अब समझना पड़ेगा कि आपको कब क्या चीजें रिवाइज करनी है क्या रिवाइज करनी है कहाँ से क्या मिलेगा वो सब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ठीक है अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पे जो मतलब

लैपटॉप पे डेमो देके मैंने बताया हुआ है एटलीस्ट मैथ्स वाला सेक्शन उसमें से जाकर जरूर देख लेना तो जो मैंने बोला है वो आपको प्रैक्टिकली वहां होता हुआ दिखेगा ठीक है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल मैथ्स ऐसे ही अटेम्प्ट करना मैंने बहुत मैथ्स में कम नंबर लेकर के आती थी मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन है ये जो मैं तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से ही बहुत एक्सपीरियंस के बाद सीखा कि अच्छा ये तरीके से मैथ्स में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं मैथ्स को स्पीड सॉल्व किया जा सकता है ठीक है तो सब कुछ के बाद मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ देखिए इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं पहले मैं ये इन चीज़ों को समझा दे रही हूँ सबसे पहली बात तो आ, मैं आपको ध्यान रखना कि ईजी क्वेश्चन सेवेंटी परसेंट होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन ट्वेंटी परसेंट होते हैं टफ क्वेश्चन टेन परसेंट होते हैं सबसे मेन बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ईजी क्वेश्चन है कौन सा मॉडरेट कौन सा टफ ठीक है और मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इजी मॉडर्ट और टफ क्वेश्चन कौन से होते हैं देखते के साथ आपको ये चीज पता होनी चाहिए और इस इसीलिए मैंने बताया कि बुक को भी आपको मॉक की तरह सॉल्व करना है ताकि आपका ये आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन को ये आपका प्रैक्टिस हो जाए इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वैसे ही बच जाएगा ठीक है अब दूसरे पॉइंटर पे आते हैं आपको ना मॉक हमेशा तीन गो में देना है तीन गो मतलब यहाँ से यहाँ एक बार यहाँ से यहाँ एक से तीस तक एक बार एक से तीस तक दूसरी बार एक से तीस तक तीसरी बार तीन गो में आपको देना है अब बोलोगे क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ फर्स्ट गो में ना आपको ओनली इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे पहले तब ना इजी क्वेश्चन कौन से इसलिए आइडेंटिफाईफिकेशन इज इंपॉर्टेंट उसके बाद पहले गो में इजी क्वेश्चन दूसरी चीज मार्क फॉर रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू का मतलब देखिए क्या होता है जब आप टेस्ट दोगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू जिससे कि आपका वो क्वेश्चन वॉयलेट कलर का हो जाता है ठीक है इससे आपको ये चीज पता लगती है कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा लेकिन अभी नहीं उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका ये मार्किंग होती है वो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन ठीक है जिसमें कि आपको लगे कि यार ये बनेगा लेकिन कैलकुलेशन या तो टफ है या तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है या तो थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो बन जाएगा तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बनाने नहीं है फर्स्ट गो में उनको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करना है समझ में आ रहा है आपको बनाने सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन है दूसरी स्किपिंग करनी है आपको फर्स्ट गो में स्किपिंग का मतलब क्या होता है देखिए मार्क फॉर रिव्यू और स्किपिंग में अंतर होता है मार्क फॉर रिव्यू मतलब आपको पता है कि ये बन जाएगा लेकिन बाद में स्किपिंग का मतलब है कि कंप्लीटली आपको नहीं आता वो क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं टफ क्वेश्चन उनको आपको मार्क रिव्यू भी नहीं करना है वो आपको छोड़ देना है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाइट कलर का जिसको आपने कुछ किया ही नहीं ठीक है और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे इजी क्वेश्चन मतलब फर्स्ट गो में वो आपका हो जाएगा ग्रीन कलर का तो अब आपके पास ना तीन तरह के कलर मिल जाएंगे जब आप एक से लेकर के तीसरे क्वेश्चन तक पहुंचोगे ठीक है सेकेंड गो में आपको क्या करना है कि सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन में आपको जाना है यानी कि सिर्फ वायलेट कलर वाले क्वेश्चन में जाना है जिससे जिसमें आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने से मेरा बनने वाला था तो जो टफ क्वेश्चन है यानी कि जो व्हाइट कलर वाले हैं ना वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सेकंड गो में तो आप सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू वाले में सब में सब जाकर के देखो जो बन रहा है बनाओ तो अब क्या होगा वो भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे इसके बाद आपके सिर्फ व्हाइट वाले क्वेश्चन बचेंगे जो होंगे टफ क्वेश्चन वो आपके तीन चार क्वेश्चन होंगे तो लास्ट में जितना टाइम बचा आप उसको करोगे देखिए इसमें हुआ क्या कि टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ जो आता था वो बन गया आप किसी में अटके नहीं और बेकार में टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो ये है स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स अब मैं टाइम भी आप लोगों को बता दे रही हूं कि कितना टाइम आपको लगना चाहिए देखिए फर्स्ट गो जब आप करेंगे यानी कि इजी क्वेश्चन सिर्फ करते जा रहे हो मार्क फॉर रिव्यू करते जा रहे हो और जो टफ है उसको स्किप करते जा रहे हो उस उस गो में आपके 18 से 19 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मतलब ग्रीन कलर के हो जाएंगे उसके बाद सेकंड गो में जब सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस में जाओगे तो उसमें आपको लगेंगे 10 मिनट पहले गो में लग रहे थे 17 से 20 मिनट सेकंड गो में आपको लगेगा 10 मिनट जिसमें कि आपको 6 से 7 क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे थर्ड गो में जिसमें कि आप सिर्फ व्हाइट वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसमें आपको लगेंगे पांच मिनट इसमें और आपके एक से दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो टोटल मिला करके मैंने जो बोला था कि आपको मैथ्स में मैथिस मिनट में सब कंप्लीट करना है देखिए तीन गो आपका पैंतीस मिनट में हो जाएगा हो सकता है ये आप अभी नहीं कर पा रहे हो लेकिन प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया वैसे ही वैसे ही वैसे ही करते रहो बार बार तो इसमें आपको मास्टरी मिल जाएगी तो आप जब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी मॉक की नहीं हो सकती कितना भी वीक स्टूडेंट है अगर इस तरह से मॉक देना सीख जाएगा ना तो क्वेश्चन में एग्जाम में अटकेगा नहीं जितना आता है उतना ही बना करके आएगा और सच बताओ ना अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो जितना आपको आता है उतना ही कर लोगों तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा दिक्कत हो जाती है एग्जाम में फंस जाने से क्वेश्चन में फंस जाने से जब आपको लगता है कि यार आता था लेकिन नहीं बना तो ये मॉक स्टार्ट वैसी है कि आता था वो बन जाएगा मैं एक बार यहां से भी सही आपको थोड़ा सा बता दे रही हूं जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे गए ये बन गया आपने सॉल्व कर दिया जाएगा ग्रीन कलर का ये बन गया ग्रीन कलर का ये बन गया ग्रीन कलर का ये बन गया ये ग्रीन कलर का ये आपको लगा कि यार बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन टफ है ये आपने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू थ्री हो गया वायलेट कलर का फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर वायलेट फिर ये लगा कि यार एकदम ही टफ है मेरे को बिल्कुल नहीं समझ तो ऐसे क्वेश्चन को तो पढ़ो ही मत है मतलब देखते देख देखा छोड़ दो इसमें आपको पढ़ना भी नहीं है ट्राई भी नहीं करना है तो ये हो गया वाइट कलर का फिर बन गया ग्रीन कलर का फिर बन गया ग्रीन कलर का फिर ये आपको लगा कि थोड़ा सा बनाऊंगा तो बन जाएगा लेकिन ज्यादा जा, दिमाग भी नहीं लगाना एक बार ट्राई करो नहीं बना तो तुरंत छोड़ दो ये हो गया वायलेट कलर का फिर ये ग्रीन ग्रीन वायलेट 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 व्हाइट ग्रीन वाइट वाइट व्हाइट ग्रीन वायलट वायलेट वायलेट ग्रीन 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 और वाइट ठीक वा� है तो ये व्हाइट वाला क्या शो कर रहा है कि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया ये टफ क्वेश्चन से ठीक है थीके? ये आपको दिखेगा वहां पर जब आंसर शीट में आप साइड में देखोगे तो दिखेगा तो ये हो गया मेरा फर्स्ट गो कम्प्लीट ये आपको कितने टाइम में करना है सत्रह से बीस मिनट में तो इसमें क्या कर रहे हैं कि आप टफ वाले क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो ठीक है आपको समझ में आ गया वायलेट वाले में भी आप सिर्फ एक बार ट्राई कर रहे हो नहीं बन रहा है आप छोड़ रहे हो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खराब कर रहे हो नहीं तो आप अटकोगे तो अटक जाओगे फिर आपका एग्जाम खराब हो जाएगा तो ये हो गया फर्स्ट गो अब आपको सिर्फ वायलेट वाले में जाना है वायलेट वाला बनाओ देखो अब आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा

मैंने कैसे लैपटॉप पर ये चीजें करी है आपको तब जा करके अच्छे से समझ में आएगा और ठीक है अब देखिए हम आते हैं इम्प्रूवमेंट पे जिसको हम लोग एनालिसिस बोलते हैं तो अगर आपने 35 मिनट में 30 क्वेश्चंस का दिया है टेस्ट तो आप 20 मिनट के एनालिसिस में उसको जरूर दो एनालिसिस कैसे करोगे आप सबसे पहले बात ना इस तरह का एक चार्ट बना लो इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी देखिए एक तो एनालिसिस होती है सेल्फ जो आप खुद से देख देख के करते हो एक तो टेक्स्ट बुक ना आपको खुद एनालाइज करके बहुत सारी चीजें बता देता है तो इन दोनों को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ और कैसे इंप्रूव करेंगे वहां से वो भी मैं आपको बताती हूँ देखिए सबसे पहली बात तो आपने मॉक नंबर और नेम लिख लो ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप उस वाले मॉक को लैपटॉप से खोल करके देख सको और ये वाला जो आपने चार्ट बनाया हुआ उसके लिए कॉपी ही बना लो जिसमें कि आपको ये चार्ट रेडी रहे हमेशा ठीक है ताकि बाद में भी आपको जरूरत पड़े तो आप जाकर के मॉक से सीधे देख लो तो इस तरह के चार्ट में आप क्या करो जब एनालाइज करने के लिए आओ तो आप दो तीन चीजें ना डब्बे में एक नंबर क्वेश्चन के लिए लिखो जैसे कि आपने सही किया या गलत किया तो सही किया कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का क्वेश्चन था परसेंटेज मतलब शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट लिख लो ये नहीं यही के बहुत सुंदर राइटिंग बढ़ा करके लिखो ये सब मत करना उसके बाद कैसा क्वेश्चन था आपको अब कैसा लग रहा है कि ईजी है कि टफ है तो ईजी है तो ईजी लिख दो ठीक है बस इतना ही आप चाहे तो ई भी लिख देना सिर्फ टाइम बचाने के लिए तो इस तरह से करके आपका कैटेगराइज हो गया इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में ठीक है दूसरे में मान लीजिए आप आए आपको ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया अब आपको देखना है कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन था तो आप लिख दो सीआई क्यों गलत किया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप हो जाएगा इंप्रूवमेंट आपका होगा तो अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन कैलकुलेशन मेरे से नहीं हो पाया था या टफ लग रहा था उसमें गलती हो गई तो जो रीजन है ना आपका वो यहां जरूर से जरूरी को आप कैलकुलेशन को सिर्फ कैल भी लिख सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे फिर तीसरे क्वेश्चन में आओ सही किया ऐसा ही क्वेश्चन था इजी था मेरे को दिक्कत नहीं है उस क्वेश्चन को आपने वापस देख लिया कि ठीक है उसके बाद फोर्थ नंबर पे आओ राइट क्वेश्चन था मिक्सचर का क्वेश्चन था इजी था कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया ठीक है अब देखो किस चीज़ का क्वेश्चन था परसेंटेज का क्वेश्चन था अब देखो कैसा क्वेश्चन था टफ था क्या तो अब आपको कैसे पता चलेगा ये सच में टफ है या आपको टफ लग रहा है तो वहां पर ना टेस्ट बुक में ऊपर में दिखाता है कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया यहां से आप टेस्ट बुक के का फायदा उठा सकते हो तो अगर दो तीन परसेंट लोगों ने अटेम्प्ट किया है और आपने स्किप कर दिया तो आपकी ये समझदारी है ये बेवकूफी नहीं है लेकिन अगर आपने बहुत टाइम लगा के स्किप कर दिया तो ये बेवकूफी है तो इसी से बचने के लिए जिस तरह का मैंने मॉक तरीका बताया है वैसे ही यूज करोगे तो आप यहाँ नहीं अटकोगे कभी भी की जिसको दो तीन लोगों ने अटेम्प्ट किया उसने आपने बहुत टाइम लगा दिया इसका मतलब आप बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में है 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 ना ना तो 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 वो चीज आपको 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 बुक के एनालिसिस से से पता लग जाएगी क्वेश्चन क्वेश्चन में में आए देख आपने आपने गलत गलत कर दिया, गलत कर दिया तो भी गलत कर दिया था था भी इसका मतलब मिस्टेक किया है। तो इस तरह करके एक चार्ट बनाना इससे समझ में ये आएगा कि आप, कैसी की गलती करते या आप था, का कंसेप्ट लैग था इसका मतलब आपको करते करते ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा रिविजन कर लेता ना तो शायद मैं इसको कर सकता था इसका मतलब आपको रिविजन की कमी है तो उस चैप्टर को जाकर के तुरंत रिवाइज कर लेना है जहां आपको लग रहा है कि अच्छा मेरा कैलकुलेशन की वजह से नहीं बन पाया तो आप सीआईएसआई का जो कैलकुलेशन का ट्रिक आपने नोट्स में लिख करके रखा था उसको तुरंत जाकर के रिवाइज कर लेना है ताकि अगली बार से आपका ऐसा गलती ना हो सिली मिस्टेक जहां पर हुआ है वहां जाकर एक क्या सिली मिस्टेक मैंने किया क्या मैंने रेशियो में गड़बड़ कर दिया क्या रेशियो के रेडियस की जगह डायमीटर लगा दिया किस क्या मिस्टेक किया उसको आपको ध्यान रखना है तो इस इसको बोलते हैं एनालिसिस इसमें आप आराम से तसल्ली से 20 मिनट का टाइम दो अब क्या होगा ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा तो ये ये मेरी गलतियां हैं और उस हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है मैंने बता दिया टेक्स्ट बुक के एनालिसिस को आप कैसे यूज कर सकते हो मैंने ऑलरेडी बता दिया एवरेज कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है ये आपको दिखता है तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो जिसको मान लीजिए दो तीन परसेंट क्वेश्चन लोगों ने अटैम्प्ट किया और आपने कम टाइम लगा करके भी सही किया तो बहुत अच्छा लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा करके सही कर दिया तो मतलब गड़बड़ है ठीक है तो इस तरह से करके आप समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को मुझे छोड़ना चाहिए था जो मैंने नहीं छोड़ा कैसे क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा आपको गाइड करेगा दूसरा एवरेज टाइम आपको देखना है जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सही किया एवरेज टाइम है चालीस सेकंड और आपने लगा दिया साठ सेकंड इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे हो उसमें या तो आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगा दिया कुछ ना कुछ में टाइम लगा दिया आपने या फिर जिसमें आपका चालीस सेकंड का एवरेज टाइम है आपने उसको तीस सेकंड में किया तो वेल एंड गुड अपने आप को थोड़ी सी शाबासी दे दो तो हमेशा क्वेश्चन कोशिश करना है कि आपका एवरेज टाइम से कम टाइम रहे तो आपके लिए अच्छी बात है ये अब वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपको दिख ही जाता है जिससे कि आपको पता लगता है कि इस टाइम पर आपको कौन से चैप्टर को कर रिवाइज करने की जरूरत है किस किस चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है अगर आपका कोई एक चैप्टर जो बार बार वीक पॉइंट में आ रहा है तो उसको जरूर जरूर जाकर रिवाइज करो उसको बुक से भी उसके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करो प्रीवियसर क्वेश्चन में जाकर के उस चैप्टर के देख लो तो इस तरह से करके आपको स्मार्टली जाना है जिससे कि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा परसेंटाइल तो है ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि मार्क्स से ज्यादा परसेंटाइल पर ध्यान दो कोशिश करना है कि एग्जाम टाइम तक आपका 95 से ऊपर की परसेंटाइल रखे तो हो नहीं सकता कि आप फेल हो जाए हो नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए हो ठीक है बाकी आपको रैंक पर ध्यान देना है तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी इससे अलग कुछ हो नहीं सकता कि मेन्स में आप मैथ्स के लिए कैसे तैयारी करो इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मेरी मेहनत आपको दिखी है तो लाइक करिए शेयर करिए आपको लग रहा है कोई मेंस की तैयारी करो सब्सक्राइब कर लिए अगर आपको मेरी इंग्लिश और बाकी के सब्जेक्ट्स में इसी तरह की डीप स्ट्रेटेजी चाहिए तो और कमेंट जरूर करिएगा आई विल क्रैक एस एस सी सीरियल इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे ही पता लगेगा कि आप लोगों ने मेरी मेहनत को लास्ट तक देखा है मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आगे की वीडियोज़ बनाने में तब तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे भी तब तक के लिए जय हिंद